Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट में। तो दोस्तों, घर के नए कप्तान बन चुके हैं, घर के पुराने कप्तान की जो है पारी खत्म हो जाएगी और नए कप्तान जो है टेक ओवर ले लेंगे। और पुराने कप्तान ने जो जो बातें इनको पसंद नहीं आई तो ये भी जाहिर सी बात है खुन्नस निकालेंगे। आपको पता है, आपने देखा होगा, अगर इस पे जो है लाइव फीड में आप देखते होंगे तो भैया हमने देखा कि बिग बॉस कैसे इन दोनों को बुलाते हैं और टास्क सौंपते हैं, प्रतीक सहजपाल और राकेश बापट को, और के आपको टीम अपनी सिलेक्ट करनी है तो वो फटाफट से जो है प्रतीक सहजपाल अपनी टीम के बंदे के जो वो लिखे नाम लिखे होते हैं वो उठा लेते हैं। राकेश बापट थोड़ा सा पीछे रह जाते तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज, मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो वो बोलता नहीं नहीं मैं तो यही रखूंगा। यहाँ पे राकेश बापट को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी उनके पल्ले कमजोर टीम पड़ गई है। तो ये बाहर आके भी वो इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वही कमजोर टीम लीडर जब मजबूत होगा, ये देखना होगा कि गेम किस तरीके से उन्होंने खेली है, लेकिन वो टीम जीत गई है, यानी कि राकेश बापट और शमिता शेट्टी की टीम जीत गई है। और अब बिग बॉस ने सबको कहा कि आपसी सहमति में से आप क्या कहना चाहेंगे कि किसने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया आपकी टीम में से। तो सभी जो है सर्वसम्मति में, यानी कि आपसी सहमति से राकेश बापट और शमिता शेट्टी को बिग बॉस के अगले कप्तान, यानी कि बॉस मैन और बॉस लेडी बना देते हैं। तो कैसा लगा आपको राकेश बापट और शमिता शेट्टी की लीडरशिप में अगला हफ्ता देखना, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स।